आएगा जैसा आप टेलीविजन पर देखते हैं। लेकिन आप पौधों को टेलीविजन पर जिस तरह देखते हैं उस तरह वो दुनिया में कहीं नजर नहीं है। नेचुरलिस्ट को हमेशा से ये जानकारी रही है कि पौधों के कामकाज को समझने के सिलसिले में पौधों के समय को समझना जरूरी है। इसके लिए उन बदलावों पर नजर रखनी पड़ती है जो इंसान को आंख से नजर नहीं आते। टीम इसके लिए टाइम लैप्स पर निर्भर करती है। इस तकनीक में हर मिनट में एक या दो फ्रेम ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, फिर उन्हें सामान्य रफ्तार पर चलाया जाता है जिससे वो घटना नजर आती है जो अन्यथा नजर से छिपी रहती है। और इन ऑर्गेनिज्म की खास परवाह नहीं करते, हमें लगता है ये तो सिर्फ पौधे यूं ही निष्क्रिय रहते हैं। पर आप ये भी दिखा सकते हैं कि इनकी प्रवृत्ति बेहद आक्रामक भी हो सकती है। ये एक दूसरे को पैरासिटाइज कर सकते हैं, एक दूसरे से जूझ सकते हैं, ये बेहद तेज रफ्तार पर बढ़ सकते हैं। इस प्रोग्राम में मेरा एक पसंदीदा शॉट है जो शायद सबको इतना अच्छा ना लगे, लेकिन एक पौधा है लियाना, ये अपने टेंडल्स निकाल लेता है। ये खुद नहीं चढ़ता है बल्कि ये तो पढ़ते हुए दूसरे पौधों से लिफ्ट लेना चाहता है, इसलिए ये इधर उधर चक्कर काटता रहता है, इस पौधे को ढूंढता रहता है और ये इस काम को काफी तेजी से करता है। और टाइम लैप्स में उसका ये काम किसी कोड़े की तरह लगता है जो घूम रहा है। जब इसे कोई पौधा मिल जाता है तो ये उसके इर्द गिर्द कुंडली मार लेता है, और ये जब ये ऐसा करता है तो हम इसके साथ साउंड ट्रैक भी जोड़ देते हैं। बेशक ये हमारी एक खोज है, पर इससे दृश्य एकदम अलग शक्ल ले लेता है। 3D टाइम लैप्स एक नई तकनीक है, पर ये पौधों के साम्राज्य की जान कही जा सकती है। ये धीरे धीरे होने वाले घंटों, दिनों, यहाँ तक कि महीनों के परिवर्तन को कुछ एक नाटकीय सेकंडों में सिकोड़ देती है।